नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर कौन कौन न्यायालय होते हैं और उनमें सुनवाई से संबंधित मुख्य प्रचलित विषयों के लिए किस किस विधि के प्रावधानों को एक छात्र के तौर पर, एक नए अधिवक्ता के तौर पर जब हम वकालत शुरू करते हैं, और एक विधि सलाहकार के तौर पर हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि तहसील स्तर पर कौन कौन न्यायालय होते हैं। तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी यानी SDM की कोर्ट होती है, तहसीलदार की कोर्ट और नायब तहसीलदार की कोर्ट, और कहीं कहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीवानी न्यायालय और सेशन कोर्ट भी होती है, और दस्तावेजों के पंजीयन के लिए निबंधक यानी रजिस्ट्रार का ऑफिस भी होता है। मित्रों, अब हम समझेंगे कि उपजिलाधिकारी यानी SDM की कोर्ट, तहसीलदार की कोर्ट और नायब तहसीलदार की कोर्ट में मुख्य तौर पर प्रचलित वादों के विचारण के लिए किस किस विधि को हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है, यानी इनको हम राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले भूमि एवं लागान से संबंधित विधियों के लिए हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की और उसकी नियमावली उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 की, और उत्तर प्रदेश भू राजस्व सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया नियमावली 1978 की, और राजस्व नियम संग्रह UP लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जिसमें खसरा खतौनी आदि का वर्णन होता है, UP टेनेंसी एक्ट, सर्वे आयोग एवं जांच विधि, और उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 और संपत्ति अंतरण अधिनियम, और उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 जिसे सीलिंग एक्ट भी कहते हैं, और भूमि के कब्जे के विवाद के लिए जैसे CRPC में धारा 145 की कार्रवाई होती है उसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता को, और सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, परिसीमा अधिनियम जिसमें लिमिटेशन आदि प्रोवाइड होते हैं, कौन सा वाद कब दाखिल होगा उसकी लिमिटेशन क्या होती है, और कोर्ट फीस एक्ट यानी किन वादों पर कौन सी कोर्ट फीस लगती है आदि विधियों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और अन्य कुछ विधियां हैं जिनसे संबंधित विषयों में उपजिलाधिकारी प्रशासनिक तौर पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखते हैं, जैसे पंचायत राज अधिनियम में, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो राशन कार्ड वगैरह की दुकानें होती हैं उनके लिए, और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम आदि विधियां जिनको हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। और मित्रों, दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट और भूमि के बाजार मूल्य एवं किराए की दर के लिए जिलाधिकारी द्वारा जारी लिस्ट को हमें समझने की जरूरत पड़ती है। मित्रों, इस प्रकार आज हमने समझा कि उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर कौन कौन न्यायालय होते हैं और उनमें सुनवाई से संबंधित मुख्य प्रचलित विषय जिनमें ज़्यादातर केस फाइल होते हैं, किस किस विधि के प्रावधानों को विधि के छात्र के तौर पर और एक नए अधिवक्ता के तौर पर जब हम वकालत शुरू करते हैं और एक विधि सलाहकार के तौर पर हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हम इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया मित्रों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।